जी हाँ दाना भाई, और दिल तो ये कर रहा था कि यूथ जंक्शन चलता ही जाए, क्योंकि मुद्दा ही आज कैसा है। लेकिन घड़ी ने इशारा कर दिया है कि हमें जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं जय से ये कहना चाहूंगा कि चेतना का एक मैसेज आया जिन्होंने कहा कि 73% मार्क्स लेने के बाद भी आज वो बेरोजगार है, कोर्स करने के बाद भी। अब बताइए। देखिए, इतने मार्क्स लेने के बाद अगर बात बेरोजगारी की आ रही है तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसमें कोई चेतना की गलती है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि किसी और की गलती है जो उनको जॉब नहीं दे रहे। सर, इंसान की सिंसेरिटी, उसका डिसिप्लिन, उसका डेकोरम और उसकी एक्टिविटीज, ये भी बहुत मायने रखती है। मैं चेतना को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक इंसान को इतनी जगह जॉब नहीं मिलती तो अपने अंदर अगर कोई आपको कमी नजर आती है तो उसको बदलो सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है इंसान अपनी तरफ से ठीक भी होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो तो उसको जॉब नहीं मिल रही किसी चीज में, उसको समझ नहीं है काम की, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप अपने काम को सही जगह डेमोंस्ट्रेट करो। और एक और वजह भी हो सकती है जो कॉमनली लोगों में देखी जाती है, वो उस डायरेक्शन में उन लोगों के बीच जॉब ढूंढने नहीं चाह रही है या ढूंढ नहीं पा रही है जहाँ उनका करियर। बहुत सही बात की। अच्छा जय बाजी, ऐसा है कि समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस डिस्कशन को और कंटिन्यू करें। मैं बोलता ही इतना ज्यादा तो भाई कल तो जय बाजी का शो तो है, जय हो, उसमें आप जय बाजी को सुनिएगा, उनके व्यंग सुनिएगा, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर को आप देखिएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको एक ही वर्ड कह सकता हूँ, धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका अपने प्रोग्राम में बिठाने के लिए, ये भी अपने आप में बहुत ऑनर की बात होती है। और हमारे साथ वैसे आज आरजे वातिश भी बैठे हुए हैं और तान्या भी, और ये कह के बैठे हैं कि आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, हम सामने बैठ के आपको सुनते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मैं भाई मैं जल्दी से लपेटता हूँ अपने इस कार्यक्रम को, और मैं जाते जाते जब तक सबको नमस्ते बोलूं, उससे पहले जिन लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, और दोस्तों हैट्स ऑफ टू यू, जिन लोगों ने मेरे एक बार कहने पे इतनी मिस्ड कॉल दी, उन सबकी बहुत बढ़िया। बस तो मेरे भाइयों, ये था आज का यूथ जंक्शन। कल शाम को 5 से 6 बजे के बीच एक बार फिर मेरे साथ रहिएगा एक नए मुद्दे पर, और सुनिएगा अपना ये मशहूर प्रोग्राम यूथ जंक्शन। नमस्ते।